हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे व्लॉग चैनल में। और आज आए हैं हम पिंजौर गार्डन में, जो कि पास में है यहाँ पंचकुला के। आप अगर चंडीगढ़ में या चंडीगढ़ के आसपास रहते हैं तो आप पिंजौर गार्डन घूमने आ सकते हैं। यहाँ पे 70 रुपीज़ की टिकट है और यहाँ पे रानी महल, शीश महल, जल महल जो लोकेशंस बनी हुई हैं वो घूमने के लिए बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। चलिए आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि फूड कोर्ट में खाने के लिए क्या क्या है और शीश महल, जल महल और रानी महल कैसे दिखते हैं। तो जो मेरे सामने है यह है रंग महल, अभी जो पीछे आपने देखा था वो था शीश महल। तो ये है शीश महल का जो बैक साइड अभी आपने फ्रंट साइड से देखा था, ये है शीश महल की बैक साइड और रात को देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है गाइस ये। और रंग महल से अगर ऊपर से देखें आप तो ऐसा व्यू दिखता है, फाउंटेन इज़ ऑल्सो देयर, फाउंटेन वर्किंग है। बाहर लिखा था कि फाउंटेन वर्क नहीं कर रहा, बट यहाँ चल रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा है। तो अभी हम वहाँ नीचे चलते हैं, वहाँ नीचे चल के देखते हैं और क्या क्या देखने को है। तो गाइस ये है जल महल, अभी इसमें पानी पीछे से नहीं छोड़ा गया इसलिए ये अभी पानी के बिना अधूरा है। तो पीछे आपने सबसे शुरू में देखा था शीश महल, उसके बाद रानी महल और लास्ट में था जल महल। बस ये तीन महल ही है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, वहाँ देखते हैं क्या खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं। मैं अपनी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ा सा अंधेरा हो गया, लेट हो गए, तो मेरी ऑडियो से ही काम चलाना पड़ेगा आपको। हाँ, शीश महल में मिली। हाँ, गाइज मेरे बैक साइड है रेस्टोरेंट रानी महल, शीश महल और जल महल। देखने के बाद एक बार रेस्टोरेंट भी देख लेते हैं, वहाँ पे क्या क्या खाने की चीज़ें अवेलेबल है।